आपको कुछ फॉल्टी थिंकिंग्स बताता हूँ। एक बिहेवियर होता है लर्नेड हेल्पलेसनेस। ओवर टाइम यू लर्न दैट यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस और इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, और वो पाथवे इतना स्ट्रांग बन चुका होता है आपके ब्रेन का। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि ब्रेन इज लाइक अ हार्ड डिस्क। आपके एक पूरा डाटा आपने उस पर ना अपलोड किया हुआ है, वो डाटा ही चली जा रहा है। आपके एक्शंस वो हैं, आपकी सोचें वो हैं, आपका जब भी कोई ट्रिगर आता है तो उसके रिजल्ट में जो बिहेवियर है वो वही है जो वो पाथवे ने बनाया हुआ है। तो सिंपल एज दैट, उस पाथवे को आपने ओवरराइड करके एक न्यू पाथवे जो है ना वो बनाना। इसीलिए हमारा दिन पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी वो करता है। अच्छा, एक चीज़ मुहिरा इंटरेस्टिंगली मैंने और देखी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इशू हेल्प्स अ लॉट। मैनी पीपल दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि उन्हें OCD है, या दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे क्यों हो गया। तो मैंने तो कई लोगों को देखा है कि जब उन्हें ये एक्सेप्टेंस पे लाया गया कि यार मान लो है और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई हैं तो उसके बदले अगर ये एक आजमाइश आ गई है, मैं कबूल कर लूं यार OCD की, तो कबूल कर लूं। और कई लोग इससे हील हुए हैं सुभान अल्लाह कबूल करने से। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, उसने कहा पेन इज इनेविटेबल बट सफरिंग इज बाय चॉइस। यानी तकलीफ तो इंसान पर अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन सफरिंग इंसान खुद क्रिएट करता है। अगेन यही वाली आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर बता रहे हैं आप कि अल्लाह माफ करे वो कबूल ही नहीं कर रहा भाई, आप कंसिस्टेंटली रिपेल कर रहे हैं और वो कंपेयर बहुत कर रहा है। एग्जैक्टली, स्पेशली खवातीन में। एग्जैक्टली, उनको जब काउंसलिंग की जाए ना कि नहीं आप इसको कबूल, वो कहते हैं कि नहीं फलानी जो है उसका शौहर तो ऐसा नहीं है, फलाने के इन लॉज तो बहुत अच्छे, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। ये रेपिटेटिवली कहना मेरे साथ क्यों, भाई कबूल कर ले, आपके साथ हुआ है तो आजमाइश है। आजमाइश आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या आजमाइश है, वो तो आपको बस ऊपर से नजर आ रहा है ना। तो कबूल करना ये बड़ा जो है ना एक सोल्यूशन। अच्छा, रोल ऑफ अज़कार दुआज अमेजिंग। ये तो मैंने खुद पर्सनली देखे, हम भी ऐसी स्टेट्स में जाते हैं या गए हैं पास्ट में जो एक डिप्रेशन की स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हावी नहीं होने दिया। मैंने खुद दुआओं का असर देखा है सुभान अल्लाह। मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था और बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। मैंने वैसे ही, मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ लें। एग्जैक्टली, रब्बी इन्नी मगलूब फंतसर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो दिल से। तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिरेकुलस इम्पैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका हूँ, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसी सकत अल्लाह सुभानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयाँ भी इफेक्ट करना शुरू हो गई। तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका। तो जस्ट टू वाइंड अप क्विकली, कुछ और मैं चाहूँगा हम नसीहत करें, जैसे लड़ाइयाँ फैमिलीज़ में और फैमिलीज़ में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना एक दूसरे को, एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डीग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएँ, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएँ, अपने लहजों में नरमी लाएँ, प्यार दें एक दूसरे को। इस पर मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें, मैं तो कहता हूँ अखी, मैं इसमें कहता हूँ कि दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ सॉल्यूशन के हवाले से। अगर आप बात करें ना स्पेसिफिकली तकदीर का जो अकीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें। बल्कि मैंने एक थोड़ा सा रिसर्च, मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर एक स्कॉलर के साथ मिलकर और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। अच्छा, वो एक इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है। और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है उतनी, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्ने कय्यम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की गज़ा है, रूह की गज़ा है। और हमारे नज़दीक जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है। माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इदा सलुहत सलुहल जैसे दुकुल्लू, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्याल भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ूकात बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से, बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पर तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीज़ों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, खास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एनजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, जन्नत के बारे में पढ़ें। जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है। एक उम्मीद, देखें यस जो है ना, ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने दो तीन, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, तीन बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया। एक हम को जो बेसिकली एनजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते हैं, और एक हुज़्न या हज़न है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अलियास मायूसी है। ये तीन चीज़ें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं। अगर आप इन तीन चीज़ों को यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, ये यानी लव उम्मीद मोहब्बत रिजा उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन तीन इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ ये चीज़ ऐड करना कि फैमिली के साथ, वन ऑफ द मेजर रीजन, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया, जिसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो जो अपने फैमिली रिलेशन में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामला ताल्लुक अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी एक आपकी यानी ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज्यादा वो हाई है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह माफ करे, हमारा दीन भी बार बार इस चीज को हमें हैमर करता बताता है। बस ज्यादा बाकी बस एंड यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बे औलादी है या कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं, लड़ाई मतलब एनमिटी तक बात जो है ना वो गई हुई है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बहन है उसका हराम रिलेशन था, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी पिक्स लीक हो जाएंगी, वीडियोस लीक हो जाएंगी, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मغلوب हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाई करता हूं। आप यकीन करें इतने पावरफुल सेंटेंसेस हैं ना कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मतलब बंदा ये कहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही, रात को सोने से पहले बातें करे अल्लाह से, सबसे पावरफुल तो ये है अल्लाह से। दूसरा सपोर्ट सिस्टम, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, दोस्त हो गए, दोस्त उनसे शेयर करें इंशाल्लाह, और सोल्यूशन है, बड़ी ही रेयर सिचुएशन है कि सोल्यूशन ही कोई नहीं है, मैं मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रेयर, फाइन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी, और बेशक तंगी के साथ एक मुश्किल है तो दो आसानियां अल्लाह रब, और साथ का कहा है, यानी कि बाद है, साथ है उसके, ट्राई टू लुक इंशाल्लाह कि वो क्या है, वो आसानी क्या है, मुझे रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा, काउंसलिंग्स भी करवा सकते हैं आप, इवन मेडिसन्स अगर प्रिस्क्राइब होती हैं ले लें, डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट है, अच्छा साइकेट्रिस्ट है, यू कैन टेक दोज मेडिसन इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हील करें। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलहदा होना, ये इसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इतना मुंह ना लगे उन लोगों के जिनकी वजह से आपको कॉज किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ट्राई टू सीक हेल्प नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इंशाल्लाह मत डरें, अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है जो एक एक ज़मीन से नन्ना सा बीज जो है फाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा एक जो है ना वो पौधा उगा देता है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, होपलेस सिचुएशन थी वो कम्प्लीटली, तो इसलिए ये जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ये आपको काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह।
तो ये होपलेस ना हो हमारी यूथ, अस्कार दुआ इसी तरीके से दीन की तरफ, देखिए खैर इसमें है, कंक्लूजन ये है कि दीन की तरफ पलटे, सीधी सी बात है, उसमें आपको कोई ना कोई खैर मिलेगी, आपको हमेशा बेहतरी मिलेगी और आपको एटलीस्ट अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता खोल देंगे जिससे आपको एटलीस्ट अपनी बीमारी को आप ओवरकम कर सकते। और एक आखिरी बात, मुझे कल ही एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आई हैव नो हेल्प, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन बट नो वन इज़ देयर टू लिसन टू मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। तो मैंने वो मौलाना रूमी के कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उसे एक कोट बताया कि मौलाना रूमी का कोट है कि इफ़ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर लुक अगेन यू मे बी द लाइट। सुभानअल्लाह। तो देखें बड़ा एम्पावरिंग के लिए खैर का बायस बन जाए। हाँ, मतलब आप हो सकता है अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाह रहा है, सुभानअल्लाह, इसलिए आपको कोई हेल्प नजर ही नहीं आ रही, अल्लाह हो सकता है चाह रहा है आप खुद पढ़ो, सुभानअल्लाह, खुद एम्पावर हो और दूसरों के लिए हीलिंग बन जाओ इंशाल्लाह। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें, जरूर अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको और शैतान से हमें महफूज रखे और घरों में नहुसत का माहौल ख़त्म करें, कुरान मजीद लाएं, ये म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें जो है ना नहुसत लाती हैं, नहुसत से फिर डिप्रेशन, वो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट है। एक तो अपने घरों में भी इस्लामिक माहौल लाएं, कुरान मजीद की तिलावत चलाया करें इंशाल्लाह, अपने बच्चों को समझें, अगर किसी को डिप्रेशन है प्लीज़ समझें, एम्पथी दिखाएं इंशाल्लाह। और रिलीजियस लोगों से भी दरख्वास्त है कि ज़रा अंडरस्टैंड करें, अगर कोई बंदा OCD या इस लेवल का आ रहा है तो उसको ऐसे ही मज़ीद टास्क ना दिए जाएं, मतलब अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो मत हैंडल उसको करें। तो अल्लाह ताला हमारे हालात पर मुकर्रम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।